हेलो एवरीवन, मैं अंजू सांगवान आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यू एरा मैथ्स क्लासेस में। आज हम ओडी का लेक्चर लेंगे और इसमें हम फोर्थ चैप्टर की एक्सरसाइज फोर्थ ट्राई करेंगे। ओके, इससे पहले हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो हमारा फोर्थ चैप्टर गोइंग ऑन है, इसमें हम तीन एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज फोर्थ एक्सरसाइज है, इसका थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। पहले थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं जो जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है फोर्थ चैप्टर में। केस फर्स्ट जो फर्स्ट था हमारे पास, आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल जो उसके जो टाइप्स हैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आज वाले के साथ आप रिलेट कर सके, ठीक है ना। यहाँ पे हमने पीआई निकाला था, अगर एफ ऑफ डी ऑपरेट किया जाए ई रेज टू पावर ए एक्स पे, ओके। इसको आपने कैसे सॉल्व किया था, वन बाय एफ ऑफ ए, यानी डी के प्लेस पे हमने ए पुट किया था, ओके, जो ई की पावर होती है एक्स का मल्टीपल, क्लियर। केस सेकंड हमने पढ़ा था जब एक्स क्या होता है, फॉर्म क्या होती है हमारे पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू एक्स। इस केस में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, सी एफ निकालते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन जो आपको एफ ऑफ डी एक्सिलरी इक्वेशन जो डी में इक्वेशन आती है ना। सो अगर x की वैल्यू, फर्स्ट केस में कहता है कि अगर x है हमारे पास सी रेज टू पावर x, तो हमने इस टाइप से सॉल्व किया। अगर सेकंड केस में हमने पढ़ा था कि x अगर साइन ए एक्स है या फिर कॉस ए एक्स है, इस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे निकालते हैं, f ऑफ d इंटू साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स आ जाता है। दोनों ही केसेस में हमें क्या करना होता है भाई, एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स एज इट इज, यानी हमें यहाँ पे डी स्क्वायर को, अच्छा यहाँ पे आप डी स्क्वायर लेके चलिएगा, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर पुट करना है, क्लियर। डी की टर्म नहीं, डी स्क्वायर की टर्म हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे डी को पुट किया था डी इक्वल टू ए, यहाँ पे हम डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे। और अगर डी हमारे पास रहता है डिनोमिनेटर में, सो उसको भी हमने सॉल्व किया था। अगर आपके पास आ जाता है वन बाय डी साइन ए एक्स या फिर कॉस ए एक्स, इसका क्या मतलब होता है कि आप इंटीग्रेशन करोगे इसका। इसका मतलब है कि इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चाहे साइन ए एक्स की टर्म हो या फिर कॉस ए एक्स की टर्म हो, इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और अगर हमारे पास डी प्लस वन इंटू साइन ए एक्स या फिर कॉस ए एक्स आ जाता है, सो इसको हमने सॉल्व कैसे किया था, इसको हमने डी स्क्वायर में कन्वर्ट किया। डी प्लस वन है हमारे पास, डी माइनस वन से मल्टीप्लाई और डी माइनस वन से डिवाइड करेंगे साइन ए एक्स एज इट इज। सो यहाँ पे आया था डी माइनस वन डी स्क्वायर माइनस वन साइन ए एक्स, यहाँ से हम फिर से डी स्क्वायर की टर्म हम बना सकते हैं और डी स्क्वायर के प्लेस पे हम माइनस ए स्क्वायर पुट कर सकते हैं। और जब हमारे पास डिनोमिनेटर सॉल्व हो जाता है, न्यूमरेटर में जो डी आता है आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ये आएगा वन अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस वन इंटू डी इंटू साइन ए एक्स, है ना, और माइनस साइन ए एक्स। डी इंटू साइन ए एक्स का क्या मतलब होता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि यहाँ पे आप साइन ए एक्स का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये प्रोसीजर हम कर चुके हैं लास्ट एक्सरसाइज में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं केस थर्ड, इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर एक्स की वैल्यू हमें पॉलिनोमियल दे दी जाती है एक्स रेज टू पावर एम, यानी कि पॉलिनोमियल इन एक्स, कोई भी पॉलिनोमियल दे दी जाए, पॉलिनोमियल इन एक्स जहाँ पे एम की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, ओके। सो यहाँ पे अगर एक्स रेज टू पावर एम पॉलिनोमियल दे दी जाती है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हमें बायनोमियल का यूज़ करना है। और उसके लिए मैं कुछ एक्सपेंशन लिख रही हूँ, वो आपको याद रखनी है, वन प्लस डी रेज टू पावर माइनस वन, ये डायरेक्ट याद कर सकते हो, या फिर हम जो बायनोमियल ओपन करते हैं एज इट इज़ तरीके से इसको भी ओपन किया जाता है। अगर बाई चांस मेथड आपको याद नहीं रहता, एक्सपेंशन याद नहीं रहती है, सो आप क्या कीजिएगा, जो बायनोमियल का फॉर्मूला है अप्लाई करके देख सकते हो, ओके। सो वन प्लस डी माइनस वन, अगर यहाँ पे प्लस है और पावर हमारे पास माइनस वन में है, इसको हम ओपन करेंगे, एक माइनस और एक प्लस आएगा, रिपीट करेगा, वन माइनस डी
प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यू प्लस डी फोर माइनस डी फाइव प्लस अप टू सॉन चलता रहेगा. ओके सो ये आपको याद रखना है अप टू सॉन इन्फिनिटी. अगर 1 माइनस डी रेज टू पावर माइनस 1 हो, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, सारी टर्म्स जो प्लस की आएंगी, 1 प्लस डी प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यू प्लस डी फोर प्लस डी रेज टू पावर 5 अप टू सॉन इन्फिनिटी तक. क्लियर. इसके बाद अगर हमारे पास दो पावर आ जाती है, दिस इज सेकेंड थर्ड, देखिए 1 माइनस डी रेज टू पावर माइनस 2, अगर पावर में हमारे पास 2 आ जाता है, सो 1 ये माइनस और माइनस, सो हर एक टर्म प्लस की आएगी. ठीक है, अगर दोनों जगह पे माइनस होता है, हर एक टर्म प्लस की आती है. ओपन कैसे करेंगे, 1 प्लस 2d प्लस 3d स्क्वायर 4d क्यूब, देखिए क्यूब के साथ 4 मल्टीप्लाई, स्क्वायर के साथ 3 मल्टीप्लाई, 1 पावर के साथ 2 मल्टीप्लाई, यानी एक एक जो है वो ज़्यादा आ रहा है, प्लस अप टू सॉन. अगर आप rth टर्म निकालने के लिए बोला जाएगा, सो r प्लस 1 डी रेज टू पावर r, अगर यहाँ पे r है तो यहाँ पे r प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा. ओके प्लस अप टू सॉन इन्फिनिटी. ओके और अगर यहाँ पे प्लस आ जाता है, सो एक प्लस और एक माइनस रिपीट करेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस अप टू सॉन. ओके फोर्थ इज, अगर क्यूब पावर आ जाती है, 1 माइनस डी रेज टू पावर माइनस 3, अगर क्यूब पावर आ जाती है तो हम इसको कैसे ओपन करेंगे, क्यूब तक आप जो है याद कर सकते हो, 1 प्लस 3d 6d स्क्वायर प्लस 10d क्यूब प्लस अप टू 100. अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है, आप इसको बायनोमियल के तरीके से भी ओपन कर सकते हो. कौन सा, x प्लस ए रेज टू पावर n. कैसे ओपन करते हैं भाई, n से 0, x रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n माइनस a रेज टू फिक्स होता है, वो हमारे पास a की पावर में जाता है, और x की पावर n माइनस 0 है ना, n से 1, x की पावर दोनों को माइनस करेंगे, इनटू जो फिक्स में हमारे पास कॉम्बिनेशन में ये a की पावर में, n से 2, x रेज टू पावर n माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस अप टू सॉन चलते जाइएगा. अगर आप यहाँ पे इसको कंपेयर कीजिएगा, यानी वैल्यूज पुट करके, आप बिल्कुल एज इट इज़ एक्सपेंशन ओपन कर सकते हो. सो ये चारों आपको याद रखनी है भाई, इनका यूज़ हमें क्वेश्चन में करना है. ठीक है, अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, उससे मैं बताती हूँ कि हम अगर पॉलीनोमियल दे दी जाती है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. एग्जांपल नंबर सेकंड करवा रही हूँ मैं आपको. यहाँ से सबसे पहले आप सिंबॉलिक इक्वेशन बनाइएगा, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2, वाई कॉमन लें, एक्स प्लस साइन एक्स. एक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 इक्वल टू 0. यहाँ से हमें डी की वैल्यू चाहिए. अगर आप जो फैक्टर अगर बना सकते हो, फैक्टर बनाइए, प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, डी प्लस 2 माइनस 1, ओ एक्स नहीं डी, डी में इक्वेशन है ना, डी प्लस 2 इक्वल टू 0. सो डी प्लस 2 डी माइनस 1 इक्वल टू 0, और डी की वैल्यूज आ जाती है 1 और माइनस 2. सो CF हमारे पास क्या आएगा, CF इज इक्वल टू C1, दोनों रियल हैं वैल्यूज और डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, e रेज टू पावर x प्लस C2 e रेज टू पावर माइनस 2x. क्लियर. अब बात आती है पर्टिकुलर इंटीग्रल PI, 1 बाय एक्सिलरी इक्वेशन यानी f(d) प्लस d माइनस 2 इंटू राइट हैंड साइड पे जो x की वैल्यू है कैपिटल x प्लस साइन x. सेपरेट कर लेते हैं, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 इंटू एक्स प्लस डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 इंटू साइन एक्स. क्लियर. इसको मैं I1 ले लेती हूँ और इसको मैं I2 ले लेती हूँ. पहले हम I1 को सॉल्व करते हैं और इसको हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ I1 इज इक्वल टू 1 बाय डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 इंटू एक्स. अब ये ध्यान से देखिएगा भाई,
कि अगर पॉलिनोमियल दे दिया जाता है तो हमें कैसे सॉल्व करना है इसको, हमें इसको 1+d या 1-d की फॉर्म में लेके आना है। मीन्स यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है सबसे छोटी टर्म, अगर कांस्टेंट टर्म नहीं होती डी में होती तो मैं डी को कॉमन ले लेती, यानी मुझे यहाँ पे 1 बनाना है। सो 1 by -2 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन लिया यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस कॉमन लिया है सो -d² + d/2। क्लियर? हमें क्या करना है, 1+d या 1-d जो भी फॉर्म आती है यहाँ पे मुझे 1 बनाना है, उसी टर्म को हम कॉमन ले लेंगे इनटू एक्स। इसको हम लिख सकते हैं -1/2 इनटू 1-d² + d/2 इनटू जो इसकी पावर है -1, यानी कि डेनोमिनेटर में था मैंने इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट किया है, सो कंप्लीट की पावर आ जाएगी -1 इनटू एक्स। क्लियर? अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, 1- जो ये टर्म आई है हमारे पास 1-, इसको हम एक कंप्लीट एक टर्म मान के चलेंगे 1-d, और 1-d की अभी हमने एक्सपेंशन क्या पढ़ी थी, यानी इसको हम लेके चलेंगे 1-d की फॉर्म में, और इसकी पावर कितनी आई है, -1 आई है। क्लियर? सो यहाँ से ओपन करेंगे इसको, 1+d दोनों माइनस के हैं पॉजिटिव रहेंगे, +d² + d³ + d⁴ up to 100। अब बात आती है कि हम कहाँ तक ओपन करें इसको, जितनी x की पावर होती है उतनी ही आप d की पावर तक ओपन कीजिएगा। जैसे x की यहाँ पे पावर है 1, ठीक है, तो इसको मैं ओपन करूँगी -1/2 इंटू 1+d, d का मतलब आप कंप्लीट टर्म लिखोगे यहाँ पे। क्लियर? कंप्लीट टर्म, ठीक है। यहाँ तक ये ओपन क्यों करें, आगे क्यों नहीं करें ये भी देख लेते हैं। नेक्स्ट टर्म आएगी d² + d/2 इसका स्क्वायर, हमने भी क्या पढ़ा 1+d, हम ओपन किसकी कर रहे हैं एक्सपेंशन, 1-d² + d/2 और इसकी पावर -1, यानी मेरे पास ये जो टर्म है ये कंप्लीट d का काम करेगी, है ना। 1+d एज इट इज रखा हमने, +d² यानी कंप्लीट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, +up to 100 ये तो चलता रहेगा, इनटू में क्या है एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/2 इनटू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इनटू 1 इज एक्स, प्लस यहाँ से आप एक्स को मल्टीप्लाई कीजिए d² + d/2 इनटू एक्स, d² + d कंप्लीट स्क्वायर बाय 2, अच्छा ये 2 का भी स्क्वायर है, इसको मैं 4 लिख देती हूँ, इनटू एक्स, +up to 100। आगे हम इसको लगाएंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, देखिए वे भी बताते हैं। अगर मैं d² × x लेती हूँ, d का मतलब क्या होता है, d इंटू एक्स का मतलब है हमें डेरिवेटिव करना है x का विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा 1। अगर मैं लेती हूँ d² × x, दैट मीन्स d ऑफ एक्स का मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, 1 आ जाएगा डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव फिर से आप 1 का कीजिएगा, कांस्टेंट है 0 आ जाएगा। क्लियर? सो एक्स की जितनी पावर है d की भी उतनी पावर रखनी है, नहीं तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स, यहाँ पे अगर मैं ये भी ले लेती हूँ d³ × x², अगर आप इसको भी ओपन कीजिएगा ये भी 0 आएगा, है ना, क्योंकि x की पावर है 2, डेरिवेटिव करना है 3 टाइम, एक टाइम कीजिएगा 2x, सेकेंड टाइम x का 1, यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 2, सो 1 का डेरिवेटिव करोगे यानी 2 का, सो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसलिए हमें सिर्फ वहाँ तक ओपन करना है जितनी x की पावर है। अब ये तो एक टर्म में आ गया ना d², इसलिए हमें एक कंप्लीट टर्म लेनी है और इसको हम आगे ओपन नहीं करेंगे, यहीं तक छोड़ देंगे, यानी एक्सपेंशन सिर्फ मैंने 1+d तक ओपन किए, अंडरस्टैंड, क्योंकि ये टर्म सारी की सारी 0 होने वाली है। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं, -1/2 इंटू एक्स, इसको आप सॉल्व कीजिएगा d² / 2 इंटू एक्स, d/2 इंटू एक्स, d² × x, अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट की 0, सो ये टर्म फिर से 0 आ जाएगी, यहाँ से मेरे पास वैल्यू आएगी एक्स, ये 0 हो जाएगा, d/2 इंटू एक्स मतलब कि एक्स का डेरिवेटिव कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
वन हो जाएगा और वन बाय टू, ये आ जाएगा हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल किसका, आई वन का। सो एक्स आपको पॉलीनोमियल दी जाती है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन और करेंगे और भी ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। आई टू सॉल्व करें, आई टू इज़ अ वन बाय डी स्क्वायर प्लस डी माइनस टू इंटू साइन एक्स, और इसके लिए साइन एक्स है कोस एक्स है, इसके लिए हमारे पास रूल क्या होता है, डी स्क्वायर को यहाँ पे एक्स का मल्टीपल कितना है वन, सो मैं यहाँ पे डी स्क्वायर को माइनस वन पुट करूँगी, यानी कि माइनस वन का स्क्वायर पुट करें भाई, वन बाय माइनस वन प्लस डी माइनस टू इंटू साइन एक्स, दिस इक्वल टू वन बाय डी माइनस थ्री इंटू साइन एक्स। अब डी को कैसे सॉल्व करना है, डी प्लस थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, दिस इक्वल टू डी प्लस थ्री न्यूमरेटर, डेनोमिनेटर बनेगा डी स्क्वायर माइनस नाइन, है ना, डिवाइड बाय डी स्क्वायर माइनस नाइन साइन एक्स, फिर से डी स्क्वायर को माइनस वन पुट करेंगे, ये आ जाएगा वन बाय माइनस टेन माइनस वन माइनस नाइन, है ना, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे डी साइन एक्स प्लस थ्री साइन एक्स, दैट मीन्स माइनस वन बाय टेन, डी साइन एक्स का मतलब डेरिवेटिव करोगे कॉस एक्स आ जाएगा प्लस थ्री साइन एक्स, ये आएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हमने आई टू पार्ट लिया है। क्लियर, हमें जो कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई, सी एफ हमारे पास ये दे रखा है, पी आई आप ऐड करेंगे, इसी में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू, ये हमारा सी एफ था, प्लस पी आई का फर्स्ट पार्ट आप यहाँ पे ऐड करिएगा, माइनस वन बाय टू एक्स प्लस हाफ, और सेकेंड पार्ट मेरे पास ये आया है माइनस वन बाय टेन कॉस एक्स प्लस थ्री साइन एक्स, ये आ जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन थर्ड, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस फोर डी वाई बाई डी एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू, हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर एक्स प्लस कॉस टू एक्स, सभी क्वेश्चंस जो है एक में डाल दिए गए हैं। सो मैं डायरेक्ट आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल दिखा रही हूँ यहाँ पे सॉल्व करके, सी एफ आप सॉल्व कीजिएगा, प्लस फोर इंटू वाई इक्वल टू एक्स फोर डी प्लस ई रेज टू पावर एक्स प्लस कॉस टू एक्स, पी आई सॉल्व करते हैं, वन बाय डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर, मल्टीप्लाई में आपको ये करना है कंप्लीट, सो मैं सेपरेट मल्टीप्लाई कर देती हूँ सबके साथ, डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर ई रेज टू पावर एक्स, वन बाय डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर कॉस टू एक्स। ओके, अब यहाँ से हमें सबसे पहले एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करते हैं या साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं सभी को, क्या करना होता है हमें यहाँ पे 1 प्लस डी या 1 माइनस डी के फॉर्म लेके चलनी है ना, सो यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लेती हूँ और इसको मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 1 प्लस, इसके पास कहीं 4 नहीं तो इसको हम लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस 4 डी डिवाइड बाय 4, इसको कंप्लीट आपको एक टर्म लेके चलना है इंटू एक्स स्क्वायर। इसको हम कैसे सॉल्व करें, डी के प्लेस में हमें 1 पुट करना है, 1 माइनस 4 प्लस 4 ई रेज टू पावर एक्स डिवाइड बाय, यहाँ पे हम डी स्क्वायर को क्या पुट करेंगे, माइनस टू स्क्वायर यानी कि माइनस फोर, माइनस फोर डी, डी एज इट इज रहेगा प्लस फोर इंटू कॉस टू एक्स। क्लियर, डी स्क्वायर को हम माइनस टू का स्क्वायर पुट करेंगे जो कि कॉस का एंगल है एक्स का मल्टीपल। ओके, माइनस फोर से फोर कैंसिल, इसको आप न्यूमरेटर में शिफ्ट कीजिए, वन बाय फोर वन प्लस डी स्क्वायर माइनस फोर डी डिवाइड बाय फोर, इसकी पावर हो जाएगी माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर से फोर कैंसिल ई रेज टू पावर एक्स, ये टर्म हमारी सॉल्व हो चुकी है, प्लस यहाँ से रहेगा माइनस वन बाय फोर डी माइनस वन बाय फोर डी इंटू कॉस टू एक्स। क्लियर, अब यहाँ से बायनोमियल ओपन करेंगे, एक्स की पावर है टू। ओके, सो मुझे इसका स्क्वायर तक जो ओपन करना है बायनोमियल को, वन बाय फोर वन, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, पावर माइनस की है सो एक प्लस एक माइनस आएगा, वन प्लस डी होता है, डी मेरे पास कंप्लीट ये टर्म है वन, क्योंकि यहाँ पे
माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है प्लस, सो वन माइनस डी प्लस डी स्क्वायर, डी स्क्वायर करेंगे, फोर का जो है सिक्सटीन हो जाएगा, यहीं तक ओपन करेंगे, इसके बाद अगर आप लेते हो तो डी क्यूब जाएगा, डी क्यूब में अगर मैं ओपन करूँगी सो डी रेज टू पावर सिक्स और डी क्यूब जो कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो बनाएगा, सो यहीं तक ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर, समझ गए। अब ऐसा नहीं है कि इसके पास डी स्क्वायर है तो केवल हम एक ही टर्म ओपन करेंगे, हर एक पॉसिबिलिटी आपको देखनी है कि डी स्क्वायर यहाँ पे भी तो आ सकता है ना, डी रेज टू पावर फोर आएगा वो जीरो बनाएगा, जीरो हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से तो डी स्क्वायर मिलेगा, सो हम एक भी टर्म स्किप नहीं कर सकते, स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो मुझे डी स्क्वायर चाहिए, डी क्यूब में कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसके पास स्क्वायर की टर्म है, क्योंकि सभी के पास डी क्यूब से हाइयर पावर आएगी डी की, इसलिए हम सिर्फ स्क्वायर तक ओपन करेंगे, क्लियर। प्लस ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन बाय फोर, वन बाय डी का मतलब क्या बताया था, इंटीग्रेशन, सो कॉस का इंटीग्रेशन कीजिएगा, साइन टू एक्स डिवाइड बाय टू इज इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वन से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय फोर डी स्क्वायर की मल्टीप्लाई हम करेंगे एक्स स्क्वायर से, सो डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस है यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, प्लस फोर इंटू डी इंटू एक्स स्क्वायर, ओके ये टर्म हमने सॉल्व किया है दिस टर्म। अब इसके साथ फिर मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस वन बाय सिक्सटीन इंटू, सो यहाँ पे जो टर्म सॉल्व कीजिएगा ये है ए माइनस बी का स्क्वायर, इसको आप ओपन करेंगे, एक बार मैं कंप्लीट ओपन करके दिखाती हूँ, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है कि हर एक टर्म सॉल्व करके दिखाइएगा, जो भी एक्स स्क्वायर से डी की पावर एक्स स्क्वायर से ज़्यादा जाएगी, यानी कि जैसे मैं ओपन करूँ डी रेज टू पावर फोर, सो मुझे ये पता है कि डी रेज टू पावर फोर इंटू एक्स स्क्वायर रिजल्ट जीरो देगा, तो ये टर्म हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप वही लेके चलिएगा जिसका रिजल्ट हमें मिलने वाला है। एक बार मैं कंप्लीट लिख देती हूँ, इसके बाद बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट कैसे करोगे, डी रेज टू पावर फोर प्लस 16 डी स्क्वायर माइनस 8 डी क्यूब, यही ओपन होगा यहाँ से, इंटू एक्स क्यूब, और ये टर्म जो है वो एज इट इज चलेगी, जो ये रिजल्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, 1 बाय फोर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय फोर, ये 1 बाय फोर शायद कंप्लीट के, हाँ जी ये कंप्लीट टर्म के जो हम कॉमन है ये यहाँ तक, ठीक है, इंटू इसको सॉल्व करते हैं, डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब है कि आप एक्स स्क्वायर का टू टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, ओके सो यहाँ से डेरिवेटिव कीजिए, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया 2x आएगा, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे 2 आ जाएगा, 2 वैल्यू देगा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर का फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन इज ए 2x और 2 इंटू 4 इज 8, ये आ जाएगा 8x प्लस 1 बाय 16, अब इसको आप ये एक्स स्क्वायर है क्यूब नहीं है स्क्वायर, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, डी फोर एक्स स्क्वायर 16 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 8 डी क्यूब एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर मैं एक्स स्क्वायर का चार टाइम डेरिवेटिव करूँगी रिजल्ट जीरो आएगा, एक्स स्क्वायर का तीन टाइम डेरिवेटिव करोगे ये भी रिजल्ट जीरो आएगा, सिर्फ एक टर्म सॉल्व होगी, इसी के लिए हमने सेकंड टर्म लेनी पड़ी थी क्योंकि एक टर्म मुझे डी स्क्वायर की यहाँ से मिलने वाली है, इसीलिए हमने इसका स्क्वायर किया था, ओके सो ये आ जाएगा यहाँ से 1 बाय 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ओपन कर लेते हैं इसको, माइनस 1 बाय 16 और इसके साथ भी ओपन कर लीजिए, 1 बाय 16 इंटू 2 दिस इज 1 बाय 8, और अगर कोई माइनस प्लस की अगर कोई मिस्टेक है भाई सॉल्व कर लेना, आई थिंक हो सकती है यहाँ पे डी स्क्वायर, हमने इसको ओपन किया था 1 बाय 4 नहीं ब्रैकेट में रखा है तो इसको आप माइनस में लेके चलिएगा, है ना, यहाँ पे ठीक है ये माइनस की रहेगी, सो माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगी, 16 इंटू 8 एक्स दिस इज़ 1 बाय 2 इंटू एक्स प्लस ये टर्म ज़ीरो, ये टर्म भी ज़ीरो, यहाँ से मेरे पास आएगा 2 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 आएगी 32 और 1 बाय 16 इंटू और 4 यहाँ से भी आ रहा था, है ना, सो ये आ जाएगा भाई 1 बाय 4 इंटू 2 यहाँ से मिलेगा मुझे क्योंकि ये हमारे पास
32 रहेगा, और प्लस जो एज इट इज ये रिजल्ट चल रहा है आप इसको लिखिएगा। सो ये एक्स स्क्वायर की टर्म, ये एक्स की टर्म, यहाँ से 1/2 माइनस 1/8 प्लस 1/2 ऐड कीजिए, और प्लस में हमारे पास ये रिजल्ट चल रहा है, आप इसको भी लिखिएगा। सो ये है कंप्लीट पर्टिकुलर इंटीग्रल। इस तरह से आपको पॉलीनोमियल सॉल्व करनी है। एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक्स क्यूब, अगर हाइयर टर्म आ जाती है, एक्स क्यूब अगर आती है, सो आप यहाँ पे क्यूब वाली टर्म भी ओपन कीजिएगा। क्या आती है, 1-d प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब, ये टर्म भी हमें लेनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ से भी मुझे डी का क्यूब यहाँ से मिलेगा एक टर्म से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखी एक जनरल क्वेश्चन, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास है कॉस एक्स बाय टू इंटू कॉस थ्री एक्स बाय टू प्लस एक्स। सो पी आई फाइंड आउट करते हैं, 1/d² प्लस 1 × d² प्लस 4, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, कॉस एक्स बाय टू इंटू कॉस थ्री एक्स बाय टू। इसको कैसे सॉल्व करना होता है, हमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है ताकि कॉस 2a इंटू कॉस 2b का हम फॉर्मूला बना सकें और इसको प्लस या माइनस में शिफ्ट कर सकें, है ना। प्लस 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ से हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, जो एक्सिलरी इक्वेशन आपको फैक्टर्स में दी गई है, ये आएगा डी रेज टू पावर 4, यहाँ से 4 टाइम, यहाँ से 1 टाइम, 5d² प्लस 4 × x, ठीक है। सो इसको हम इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि मुझे डी स्क्वायर की वैल्यू की जरूरत पड़ने वाली है, कॉस में है तो हम डी स्क्वायर को पुट करते हैं डायरेक्ट, माइनस ए स्क्वायर जो भी इसका ए की वैल्यू आती है। सो डी स्क्वायर प्लस 1 2, हमने अच्छा डिवाइड वाला लेंगे हम यहाँ पे 1/2, डी स्क्वायर प्लस 4, यहाँ से करोगे आप 2 × कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ ऐड करेंगे, यहाँ से आएगा भाई हमारे पास 4 2x, और माइनस करने वाले हैं सो 2 टाइम। ओके, और इसके लिए हमें क्या करना है, बायनोमियल जो ओपन करेंगे इसके लिए मुझे 4 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे 1+d फॉर्म बनानी है, डी स्क्वायर प्लस 5d² बाय 4 × x। सॉल्व करते हैं, 1/2 सेपरेट करना पड़ेगा आपको, यानी कॉस एक्स के साथ अलग मल्टीप्लाई, कॉस 2x के साथ अलग मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे जब मैं कॉस एक्स के लिए सॉल्व करती हूँ तो डी स्क्वायर को पुट करूँगी -1 का स्क्वायर, माइनस का नहीं, माइनस अलग 1 का स्क्वायर। ओके, सो ये आ जाएगा 1/d² के प्लेस पे मैंने -1 पुट किया, +1 × -1 प्लस 4 × cos x प्लस 1/, इसके लिए क्या पुट करेंगे, डी स्क्वायर को -4 2 का स्क्वायर, और इसके लिए डी स्क्वायर को -1, यानी कि -1 का स्क्वायर इज़ अ -1, और यहाँ से हमारे पास जो टर्म आने वाली है -4 + 1 - 4 + 4 cos 2x, एंड इसको हम लिखेंगे 1/4 × 1+d² + 5d² / 4, और इसकी पावर -1, कंप्लीट की पावर -1, कंप्लीट टर्म यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। ये हमारे पास इसकी पावर -1 × x, डी की पावर 4 थी भाई यहाँ पे, स्क्वायर में 4 पावर, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, -1 + 1 = 1/0, केस ऑफ फेलियर, यहाँ पे ये 0 बना रहा है, ये भी केस ऑफ फेलियर, सो यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। केस ऑफ फेलियर में हम क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई करेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे दिस एक्सिलरी इक्वेशन का, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ, अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर u इंटू वी अप्लाई कर लीजिए, जो भी आपका सूटेबल रहे, आपको ठीक लगे, डी प्लस 4, इसका हम विद रिस्पेक्ट टू d हम इसका डेरिवेटिव करेंगे और cos x आ जाएगा। सेम तरीके से यहाँ से डेरिवेटिव ऑफ इट्स एक्सिलरी इक्वेशन, डी रेज टू पावर 4 प्लस 5d प्लस 4 × cos 2x प्लस 1/4, यहाँ पे हमें बायनोमियल ओपन करना है, 1 प्लस डी अगर मैं लेती हूँ
वन माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है ना। सो वन माइनस डी भी अगर लेती हूँ तो डी की पावर देखिए आप यहाँ पे एक्स की पावर है वन और डी की पावर वन से ज़्यादा है। सो यहाँ पे लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, जैसे आप एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा आंसर जीरो आएगा, क्लियर, क्योंकि डी रेज टू पावर फोर इंटू एक्स और डी स्क्वायर इंटू एक्स दोनों ही डेरिवेटिव्स जो है वो सेकेंड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर, एक्स का डेरिवेटिव जीरो बनाएंगे। सो यहाँ पे कोई आप सिर्फ सीधा लिखिएगा, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप वन लिख के इंटू एक्स कर सकते हो, क्योंकि हमें ये पता है कि इसके बाद अगर मैं ओपन करती हूँ वन प्लस वन माइनस डी प्लस डी स्क्वायर तो ये सारी टर्म ज़ीरो बनाने वाली है। ओके सो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, वन बाय टू एक्स, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय फोर डी क्यूब प्लस टेन डी, फोर का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा, इंटू कॉस एक्स, सेम तरीके से यहाँ आ जाएगा फोर डी क्यूब फाइव डी स्क्वायर था यहाँ पे डी है ना, और यहाँ से आ जाएगा कॉस टू एक्स और ये हमारे पास आंसर आया एक्स बाय फोर, क्लियर। एंड दिस बिकम्स वन बाय टू, यहाँ से मैं डी कॉमन ले सकती हूँ, एक्स बाय डी यहाँ पे क्या रहेगा भाई, वन बाय फोर डी स्क्वायर प्लस टेन, अच्छा डी स्क्वायर था तो यहाँ पे भी टेन आएगा और यहाँ से मैंने डी कॉमन लिया इनटू है कॉस एक्स, सेम आप यहाँ पे कॉमन लीजिएगा स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ से आ जाएगा एक्स बाय फोर वन बाय डी कॉमन ले, अच्छा जी एक्स बाय डी कॉमन लेंगे, फोर डी स्क्वायर प्लस टेन इंटू कॉस टू एक्स प्लस एक्स बाय फोर, ठीक है। इसको भी आपको सॉल्व करना है, यहाँ से डी स्क्वायर को क्या पुट करेंगे माइनस वन और यहाँ पे डी स्क्वायर को माइनस फोर, ओके माइनस फोर इंटू फोर माइनस सिक्सटीन प्लस टेन, माइनस सिक्स आ जाएगा, यहाँ से भी ओपन सॉल्व करेंगे हम इसको, दिस इज माइनस फोर, यहाँ से प्लस का सिक्स आ जाएगा, यहाँ से माइनस का सिक्स आएगा, क्लियर। फिर आता है एक्स बाय डी की बात कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वन बाय टू ये आएगा एक्स बाय सिक्स और वन बाय डी इंटू कॉस एक्स ये रह जाता है, प्लस यहाँ से हमारे पास आएगा एक्स बाय माइनस सिक्स रहेगा तो ये टर्म माइनस सिक्स हो जाएगी, वन बाय डी इंटू कॉस टू एक्स और प्लस है एक्स बाय फोर, ठीक है। वन बाय डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ से वन बाय डी इंटू कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन टू एक्स बाय टू और यहाँ से साइन एक्स, सो इस तरीके फिर आप वन बाय टू से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आएगा आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये लास्ट क्वेश्चन हम ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, पी आई सॉल्व करेंगे, सी एफ आप सॉल्व कीजिएगा, डी रेज टू पावर फोर माइनस टू डी क्यू प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, ओके सो यहाँ से सबसे पहले हम एक्स क्यूब पॉलीनोमियल है, मुझे बायनोमियल का यानी कि इस तरह से ओपन करना है कि वन प्लस डी वन माइनस डी के फॉर्म में आ जाए, सबसे छोटी टर्म कॉमन ले लीजिए, डी स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ से वन रहेगा प्लस यहाँ से डी स्क्वायर एंड दिस माइनस टू डी इंटू एक्स क्यूब वन बाय डी स्क्वायर, इसको आप लिखिएगा वन प्लस डी स्क्वायर माइनस टू डी और इसकी पावर माइनस वन। अब इसको हम कंप्लीट एक टर्म लेके चलेंगे जो कि डी को फॉर्म कर रहे हैं, वन प्लस डी रेज टू पावर माइनस वन, हम इसकी जो बायनोमियल ओपन करते हैं वन माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब प्लस अप टू सॉल्व करते हैं इसको, वन बाय डी स्क्वायर दिस इज वन माइनस डी, डी का मतलब डी स्क्वायर माइनस टू डी, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो मुझे क्यूब तक ओपन करना है, क्योंकि डी क्यूब जो आएगा वो क्यूब में ही जाके आएगा, यहाँ तक मुझे ओपन करना है इसको, प्लस डी स्क्वायर माइनस टू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस टू डी क्यूब यहीं तक ओपन करेंगे, इसके बाद जो है वो
फोर पावर आ जाएगी, वो हमें नहीं लेना, जो कि जीरो बनाएगा, ठीक है। वन बाय डी स्क्वायर इंटू वन एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स क्यूब माइनस, यहाँ से मैं एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करती हूँ, डी स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस टू डी इंटू एक्स क्यूब, इस टर्म को मैंने एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया। प्लस यहाँ पे देखिए भाई, जैसे मैं स्क्वायर ओपन करती हूँ, स्क्वायर ओपन करेंगे डी रेज टू पावर फोर, और हमें ये पता है कि डी रेज टू पावर फोर इंटू एक्स क्यूब आंसर आएगा जीरो। एक्स क्यूब का डेरीवेटिव चार टाइम करेंगे, फोर्थ ऑर्डर डेरीवेटिव, ओके, ये हमारा जीरो आएगा। डी क्यूब, और अगर यहाँ पे डी क्यूब एक्स क्यूब आ जाता है, ये आता है थ्री फैक्टोरियल, जितनी पावर होती है उतना ही फैक्टोरियल उसका डेरीवेटिव आता है। जैसे अगर डी फोर एक्स रेज टू पावर फोर दे रखा है, सॉल्व करके देखिए इसको, डी क्यूब इंटू फर्स्ट डेरीवेटिव करेंगे एक्स क्यूब, डी स्क्वायर इंटू फिर से डेरीवेटिव कीजिए, दिस इज ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, डी इंटू फिर से डेरीवेटिव करते हैं 24 इंटू एक्स, और फिर से डेरीवेटिव करोगे 24। सो यहाँ पे मेरे पास 4 फैक्टोरियल आना चाहिए, और 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो दिस बिकम्स 24। ओके, सो अगर आप डायरेक्ट भी सॉल्व कीजिएगा, जैसे डी क्यूब इंटू एक्स क्यूब, सो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 3 फैक्टोरियल, ओके। लेकिन x की पावर छोटी है और d की पावर x की पावर से बड़ी है, वो हमेशा डेरिवेटिव जो उसका आंसर जो जीरो आएगा, ओके। चलिए भाई, हम तो यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे, d रेज टू पावर 4 रहेगा, ये टर्म हम नहीं लेंगे, स्किप करेंगे, क्योंकि x की 3 पावर है, जितनी पावर है उतनी रखेंगे हम, d की पावर जितनी आएगी। यहाँ पे d रेज टू पावर 4 स्किप किया, फिर b का स्क्वायर यानी कि 2d का स्क्वायर प्लस रहेगा, मैं इसको ब्रैकेट में ले लेती हूँ, 4d स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, यानी कि माइनस 4d क्यूब, और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है x क्यूब से, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, a माइनस बी का क्यूब, a क्यूब 6 पावर, स्किप करेंगे इसको भी, प्लस सॉरी ये है a माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, या फिर आप इसको लिख सकते हो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। चलिए भाई देखते हैं कौन कौन सी टर्म आती है, a क्यूब स्किप करेंगे 6 पावर जाएगी, माइनस बी क्यूब ये हम लेके चलेंगे, माइनस मेरे पास यहाँ से है, ब्रैकेट में ले लीजिए ताकि कोई मिस्टेक ना हो, इसका क्यूब कीजिएगा 8d क्यूब, माइनस की आएगी क्योंकि a क्यूब मेरे पास ये था जो कि हमने इसको स्किप कर दिया है, है ना, माइनस बी क्यूब, फिर कहता है माइनस 3a स्क्वायर बी, a स्क्वायर इज d की पावर 4 और एक यहाँ से 5, ये स्किप करेंगे हम, फिर कहता है 3ab स्क्वायर, ये b स्क्वायर यानी कि d का स्क्वायर और d स्क्वायर ये मल्टीप्लाई करोगे d रेज टू पावर 4, सिर्फ एक टर्म आएगी विच इज़ 8d क्यूब, बाकी सभी टर्म हम यहाँ से स्किप करेंगे क्योंकि सभी में d की पावर 3 से ज़्यादा आ रही है, क्लियर। 1 बाय डी स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस, इसको ओपन कीजिएगा, हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 टाइम डेरिवेटिव, एक टाइम 3x स्क्वायर, सेकेंड टाइम 6x, ये आ जाएगा 6x, ये प्लस की हो जाएगी, फर्स्ट टाइम करोगे 6x स्क्वायर 3 2, ठीक है, प्लस यहाँ से आप मल्टीप्लाई करिए, डी स्क्वायर एक्स क्यूब 2 टाइम करना है मुझे यहाँ से, सो 2 टाइम का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर इंटू यानी 6x 24x, और यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ 4 इंटू डी क्यूब एक्स क्यूब, अभी मैंने आपको बताया डी क्यूब एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, 24, माइनस ऑफ डी क्यूब एक्स क्यूब, ये भी हमारे पास सेम पावर आ रही है, एक हमारे पास क्यूब यहाँ से आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 यहाँ से 48, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, क्यूब पावर यहाँ पे स्क्वायर की टर्म, यहाँ से एक्स की टर्म, और इन कॉन्स्टेंट्स को ऐड करते हैं। अब बात आती है कि 1 बाय डी स्क्वायर को इसका क्या करेंगे, 1 बाय डी स्क्वायर, हमें पता है कि 1 बाय डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन, और 1 बाय डी स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम इंटीग्रेशन, यानी हर एक टर्म का आप 2 टाइम इंटीग्रेशन कीजिएगा, वो आपका फाइनल आंसर होगा, ओके।
सो ये क्वेश्चन थे भी आपके पास जो एक्स जो पॉलिनोमियल फॉर्म में आते हैं, एक्स की वैल्यू अगर पॉलिनोमियल दे दी जाती है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। जो मैंने एक्सपेंशन बताई है आप केवल इन्हीं को याद कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा, क्योंकि क्यूब पावर से ज़्यादा नहीं आता है। मैक्सिमम यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। स्क्वायर का भी अभी हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ना ही क्यूब का आया, सिर्फ माइनस वन का ही हमने ओपन किया है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक्सपेंशन ओपन कीजिए और आपको सिर्फ सॉल्व करना आना चाहिए कि किस तरह से आपको ओपन करना है। यहाँ पे जैसे हमने स्क्वायर और क्यूब ओपन किया है, सिर्फ इनमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये समझते हो कि हम स्किप नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो आप पहले कंप्लीट इसको ओपन कीजिएगा, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तब सॉल्व करेंगे, तब वो जीरो हो जाएगा। ओके, सो इसको ट्राई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।